यो 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 सब पीपल, हाँ जी घर पे हो यार। आज ऑब्वियसली देख ही सकते हो मेरे बैकग्राउंड में ऐसा था कि मुझे ना बहुत रिक्वेस्ट आती है, बहुत समय से आती मेरी फैमिली के, यूट्यूब फैमिली के, कि यार शोएब हमें ना सिटी वाइज बताओ कि कहाँ पे कहाँ जाके खाया जाए। क्या होता है हमें याद नहीं रहता, साल भर पहले वीडियो तो याद नहीं रहेगा, तो मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जो आप इसको सेव भी कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तीन ऐसी जगह है अमृतसर में जो हिडन जेम है, मेरी बात समझना, कमर्शियल नहीं है। कुछ जगह पॉपुलर और क्या ना, सालों साल लोग वहीं जाते हैं, मैं बताऊंगा हिडन जेम जहाँ पे जाके अपने मटन खाना है। तो पहला नंबर आता है मोहन मीट शॉप का, एक बहुत ओल्ड स्कूल सा ढाबा जिसके बारे में अभी भी लोगों को नहीं पता। 75-80 साल के बहुत सीनियर सरदार जी वहाँ पे कोयले की आंच पे मूवेबल तवे पे बनाते हैं मटन और चिकन, तवा मीट वगैरह देसी घी में पूरा बनाते हैं अपने मसाले कूट के। इसके साथ देते हैं मटन चापे अंबरसरी स्टाइल, पूरा एक ओल्ड स्कूल सीटिंग स्टाइल जहाँ लोग पहुँचते हैं वही जो नॉनवेज लवर और स्पेशली जाते हैं क्योंकि गलियों के अंदर है। और इनके हाथों में शफा है, कहते हैं इनका स्वाद ना पूरे अमृतसर को बीट कर सकता है, और ये मेरी लिस्ट में नंबर वन भी है ऑनेस्टली अमृतसर के अंदर। तो कभी आप जाओ अमृतसर, मोहन मीट शॉप लिख लो, पेन पेपर ले लो, यहाँ पे जाके खाओ। मैं ना पहले मेरा खा के रिएक्शन देखो, अब मैं खाना खाने लगा हूँ, ये जो मैंने खाया था इसका रिएक्शन देखो पहले। पहले चांद की शक्ल देखो एक बारी, इज़न्ट दिस लुकिंग अमेजिंग यार, द होल लेगेसी 60-65 साल की इस पीस में है, दिस इज एक्चुअली द लेगेसी ऑन द प्लेट, आई एम नॉट इवन किडिंग यार। बहुत मसाले देख रहे हो, सब इनके अपने हैं। ये पीस थोड़ा हल्का सा, ये देखो लेस की बाइट, दिस इज प्रॉब्ली द बेस्ट चांप दैट आई एवर हैड एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। दिल्ली में ना मैंने कुछ चांपें खाई थी रीसेंट लॉकडाउन में, रुचि होगी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, इसका कुछ नहीं है, इट्स नॉट इवन फनी। ये नली का पीस है जी पूरा, ये रोगन देख रहे हो, रोगन क्या है, देसी घी है सारा, ऑनेस्ट बताओ। ओए 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 ओए, छोटा सा पीस बहुत बड़ा हो जाएगा। ओ मैन, ये देखो जी, जस्ट हैव अ लुक यार, खाएं इसको। देखो वैसे तो आई शुड बी कंपेयरिंग एनी ऑफ देम, आई एम अ फैन ऑफ दिस यार। जो नली का पीस है ना, एंड द वे इट्स मेल्टिंग एंड द वे इट्स कुक एंड द मसाला ऑन टॉप, एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस टुगेदर यार, क्या बताऊं। हाँ जी देख लिया, रिएक्शन था ना बम, मैं सच बता रहा हूँ, कोई एग्जैजरेशन नहीं, वो जो नंबर रेटिंग वगैरह आपने देखी वो सब जायज थी। दूसरा नंबर आता है टेलीफोन एक्सचेंज के पास शिंदा मीट का, एक हेल्दी से सर है हमारे जो स्ट्रीट फूड पे बेच रहे हैं मटन चाप, जिसकी कीमा बना देते हैं देसी घी में, मटन चाप जो होती है गोल वाली, इसका कीमा बना के ना पूरा डाल के देते हैं अपना देसी घी, इसके साथ देते हैं मटन चाप, साबुत भी ले सकते हो साथ में खरोड़े वगैरह मटन वगैरह प्रॉपर। इनका काम ऐसा है कि ये एक स्ट्रीट फूड कार्ट है, बट जब मैंने यहाँ से खाया था ना, मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल प्लेसेस टेलीफोन एक्सचेंज का शिंदा मीट, एक और शिंदा उसे कंफ्यूज मत होना, टेलीफोन एक्सचेंज के नज़दीक लाइव काउंटर तवे पे ये खिलाते हैं मीट प्रॉपर तरीके से, भारी भरकम अमृतसरी स्टाइल। तो कभी भी आप जाएं शिंदा मीट सामने ट्राई करना है। अब इसमें मेरा रिएक्शन देखना जब मैंने खाया था और मेरा क्या हाल हुआ था, मज़ा आ जाएगा। ये देखो जी 100 रुपीस फॉर दिस, आई थिंक वेरी वेरी रीजनेबल, ऊपर से करारी anyway, ये देखो जी ऑलराइट, ये देखो ट्राई करें इसको। आई कैन टेल यू कमिंग टू अमृतसर एक्सपेक्ट रिच फूड यार, देर इज नथिंग कॉल्ड हेल्दी हियर। यहाँ पे आ रहे हो तो हेल्थ का नहीं सोचना, सिर्फ स्वाद का सोचना है। द मटन कुक परफेक्टली, अंदर से नरम है, ऊपर से उसका क्रस्ट करारा करारा मसालेदार, इट्स सो नाइस यार। एंड आई एम थिंकिंग वो जो कीमा बनाते हैं चाप का, जो कह रहे थे वो कैसा होगा, सो चाप को ना बिल्कुल मिंस करके ना, दे पुट ग्रेवी एंड देन दे मिक्स इट इन गिव इट अप देसी घी डाल के। हाँ जी आ जाओ, ऑलराइट जस्ट हैव अ लुक, मेरा फेवरेट पीस नली का पीस, शैंक का पीस, हाँ ये मटन निकाला, मैं कह रहा हूँ कमाल है। ये देखो जी ये पीस निकाला और ये हल्की सी ग्रेवी, चिकन मटन का डिफरेंस है, स्वाद बिल्कुल सेम है,
बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल सेम है। मज़ा कह रहा खाने में दोनों। मेरी राय लोगे, खाली पेट आना, सब ट्राई करना, नथिंग इज टू बी बेस्ट। मैं मगज का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने करवाया नहीं जो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। बिरयानी भी ट्राई कर लो, फॉर मी एन आउटस्टैंडिंग प्लेस, हाईली रिकमेंडेड इफ यू कम। शिंदा शिंदा शिंदा, देख लिया तुसी, मतलब कमाल करते हैं यार अंबरसर में ना स्ट्रीट फूड के साथ भी। तो मैं इसलिए आपको मैंने दूसरी जगह बताई। तीसरी जगह इसी के नज़दीक टेलीफोन एक्सचेंज के पास सूरज मीट शॉप, एक यंग से पैशनेट से गुड लुकिंग से इंसान चलाते हैं स्ट्रीट फूड कार्ट को सदा जी के साथ और बेचते हैं तवा की आइटम। इनके ना देसी की तवा खरोड़े जानलेवा स्टील की प्लेट पर सर्व करते हैं और मैं कह रहा हूँ पूरा दिल्ली जहान ढूंढ लो अगर वैसा तवा खरोड़ा कहीं मिल गया, सब्जी की ज़रूरत नहीं। हालांकि देते साथ में चाप भी हैं, मटन भी है, कमाल का एक प्रॉपर स्ट्रीट फूड कार्ट जिसे वन सेकेंड कहा था सूरज मीट शॉप। टेलीफोन एक्सचेंज में बढ़िया बढ़िया फ्रेश खाना खिलाते हैं अमृतसरी कुलचे के साथ, जो आपको पता अलग ही है भैया, वहीं के पानी से बनता है हिसाब किताब और मज़ा आ जाएगा। सो सूरज मीट शॉप भी ट्राई करना है, मेरा रिएक्शन देखो, शायद अभी ना पहुँचा अंबरसर। देख रहे जी, हल्का सा फैट डाला हुआ है ऊपर, ये पूरा पीस लिया और ग्रेवी, इसमें कीमा का भी इस्तेमाल किया इन लोगों ने। एक से बढ़कर एक। कोई पूछे ना मुझसे दिल्ली के बाद कहाँ शिफ्ट होना, दिल्ली गुड़गांव के बाद, कोई बड़ी बात ही अमृतसर बोलूँगा। कमाल कर रहा है खाना यार। हेलो, इनकी ग्रेवीज ना बाय द वे सेम थी, दिस इज मोर लाइकेबल फॉर मी रोगन जोश, बिकॉज वो कीमे का फ्लेवर और आ गया, बट क्योंकि ग्रेवी एक है तो कहीं ना कहीं स्वाद सिमिलर है, बट हल्का सा ज़्यादा रोगन जोश रिच है, समझ लो। आ जाओ जी, आ जाओ, मैं कुलचा के साथ खा रहा हूँ करोड़े हैं, ऐसे नहीं खा रहा। हल्का हल्का ज़्यादा पीस तोड़ना तोड़ लिया, दिख गया ग्रेवी में। ऑलराइट, राना तीन ब्लॉग बनाने का मन था, ऐसा हो नहीं पाएगा लग रहा है। हाँ हाँ, मज़ा हो गया यार, रेटिंग देख ली हमने स्क्रीन पे, सच्ची बात ये है दैट आई एम थरली एंजॉइंग माई सेल्फ द फूड दैट पार्ट। क्वालिटी अगर हमने जज करनी है ना, बातों से ज़्यादा ना यहाँ पे आ जाना, थैंक यू, बातें बोलेंगे मुझे मतलब। बताते हैं मीट के बारे में, बनाते हैं भिंडी है, ये देख रहे हो। सो सिस्टम ऐसा कि वीरे आज घर जाना बाहर जाना मन नहीं सी, तुम समझते हो काम करके थक जाते हैं, तो मैं कहा जगह ही दस दिए। थ्री ऑफ दीज प्लेसेस आर हिडन एंड आई नो दरबार साहिब जाते हैं लोग मत्था टेकने तो बहुत चक्कर लगते हैं अमृतसर वैसे भी कामों से, तो कभी जाएं ये तीन जगहों पे जाओ, तीनों हिडन जैम है, ध्यान रखिएगा हिडन जैम है, खाना ही खाना है। एक ना मैं आपको बोनस वेज की जगह बता रहा हूँ, जबकि वीडियो का कैप्शन अलग था, बट एक वेज की बोनस जगह है क्योंकि अंबरसर में अंबरसरी कुलचे आर अ मस्ट ट्राई। तो लोग ना बड़ी जगहों पे जाते हैं, कमर्शियल जगहों पर कुलचे खा के आ जाते हैं विदाउट नोइंग कि एक्चुअल में अंबरसरी कुलचा है क्या। तो आज आपको जाना है पहलवान कुलचे पे, आज जाना है मतलब नेक्स्ट टाइम तब जाओगे आप, पहलवान कुलचे पे जाना है, वहाँ हिमांशु जी ओनर साहब है, अंदर ना आज भी न्यूज़पेपर में ना कुलचे सर्व करते हैं बिल्कुल चूर चूर करके, मक्खन मक्खन मार के, साथ में कांच की शीशी लो पीने वाली बोतल की, कोक की है, मैं कह रहा हूँ कुछ अलग ही लेवल है, कुछ अलग ही लेवल है। और साथ में वो पत्तल के डोनों पे देते हैं छोले, आप वो चीज़ खाओ आप पता क्या बोलोगे कि अंबरसर स्पेशली भी आता ना इस काम के लिए तो भी पूरा हो जाता है। बड़ी ओल्ड स्कूल सेटिंग, दुनिया भरी खा पी रही है, दो दो तंदूर लगे हैं, लोगों के हाथ चले जा रहे हैं, और ये जगह मैंने आपको बोनस बताई है, पहलवान के अंबरसरी कुलचे आर द नंबर वन कुलचे ऑफ इंडिया। मेरा रिएक्शन आपको समझ आ जाएगा। ओके, शक्ल देखो एक बारी, ये शक्ल है इसकी है, हल्का सा अजवाइन वगैरह ऊपर डाल रखा है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, ये काम है जी यहाँ पे, एकदम गर्मा गर्म देसी घी वाला प्लेन कुलचा, चने ट्राई ट्राई इसको, हर बाइट पे ना क्रंच, एब्सोल्युटली स्मैशिंग, क्यों
बिकॉज आप उसका तोड़ नहीं निकाल सकते, नहीं निकाला नहीं निकाल सकते। मैंने क्योंकि बैठना पहले तो आई नोटिस द क्रंच, उसके बाद डीसी ही फ्लेवर एंड देन द चना, तो चना इज नॉट वेरी ओवर पावरिंग। जो एक्चुअली कुलचे का टेस्ट है ना वो वही इंटैक्ट है। कई बार क्या होता है सब्जी इतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग होती है ना दैट यू डोंट रियलाइज दैट द कुलचा इज द एक्चुअल हीरो ऑफ द डिश। तो ये सीन है, रियली लव इट मैन। ये है जी इनका मीडियम स्पाइसी कुलचा जिसकी फीलिंग सबको मिलती है। दिख रहा है आपको माल, दिख रहा है अच्छे से है कि नहीं? करें इसको ट्राई करें। आज वेज ने ना दिल ले लिया, मतलब नॉन वेज का मन ही नहीं कर रहा। ऑलराइट, अच्छे से बाइट बना ली है। ऑलराइट तृप्ति, मस्त तृप्ति, तसल्ली, द फीलिंग इज राइट। आई नो दिस समथिंग अबाउट द देसी घी, मुझे पता नहीं कुछ लोकली मैन्युफैक्चर, क्योंकि हम जब अपने घर में देसी घी यूज़ करते हैं ना, कोई भी कंपनी वाले होते हैं, ये फील आ ही नहीं सकती यार। जगह की बात है क्या है पता नहीं, बट रियली लव इट यार।